हेलो, मैं हूँ राज। आपका स्वागत है आपके चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। आपको बताने वाले हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि LNMU यूनिवर्सिटी का पार्ट वन और पार्ट थर्ड का परीक्षा रूटीन जारी कर दिया गया है। साथ में कहाँ पे सेंटर पड़ेगा वो भी जारी कर दिया है, सारा कुछ। तो आपको हम इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा इसी तरह का हुआ चैनल था सरकारी इन्फॉर्मेशन, जिसपे तकरीबन 60,000 सब्सक्राइबर था, जो कि डिलीट हो चुका है 21 जुलाई को यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों आपसे नर्म निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें और मुझे फिर से आगे की ओर बढ़ने में हमारी मदद करें। आइए आपको हम बताते हैं क्या कैसे है। तो क्या मैंने उस थंबनेल पर लिखा है मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट वन पार्ट थर्ड का परीक्षा रूटीन जारी। आइए आपको हम कैसे क्या पूरा प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर का, आज का पेपर कटिंग में आया, यहाँ पर लिखा हुआ है मिथिला विश्वविद्यालय में डिग्री पार्ट थर्ड की परीक्षा 27 से कार्यक्रम हुआ जारी। ये पार्ट थर्ड क्या था यानी पार्ट थ्री, यहाँ पे कि देखिए लगभग यहाँ 75 कॉलेज, लगभग 1,00,000 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। सभी विषयों के छोटे ग्रुप बांट कर होगी परीक्षा। यह तो था ऐसे ही 27 से शुरू है, जबकि 14 सितंबर तक ये ग्रुप चलेगा एग्जाम। ये तो पेपर में था, लेकिन आपको हम पार्ट वन पार्ट टू दोनों के विषय बताने, जिसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है, आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। लेकिन बता दूँ कि सारा का जो है ये जितना भी पेपर कटिंग है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया हुआ है, आप जाकर जुड़ जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कि लिखा हुआ है एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2021 BA BSc BCom ऑनर्स के लिए पार्ट वन सेशन 20 से 23 के लिए है। ग्रुप वाइज यहाँ पे हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है। देखिए ग्रुप ए में जो है फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस आता है, ग्रुप बी में AIHNCN जो है बॉटनी हिस्ट्री और उर्दू आता है। इस चीज़ को आप देखते रहेंगे, इस चीज़ को आप हर एक चीज़ को देखेंगे, आपका किस ग्रुप में कौन सा एग्ज़ाम है आपको इस चीज़ को देखते रहना है। साथ में जब आप रही बात की आप इसका आपका एग्ज़ाम कब है और कैसे है, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ ऑनर्स, देखिए यहाँ पे 21 का ऑनर्स का जो आपका एग्ज़ाम होना है आप देख लेंगे कि 27 से शुरू होना है, 3/9 यानी कि 3 सितंबर तक होना है। अब देखिए 10 से 1 होना है पहला सेटिंग, और दूसरा सेटिंग होना है 2 से 5। आप ग्रुप आप देख लेंगे, सपोज कर लीजिएगा आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, तो आप सोच लेंगे कि मेरा कब होगा एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पे पहले आएंगे देखेंगे ग्रुप आपका हिस्ट्री कहाँ है, तो हिस्ट्री है 2 नंबर पे, और 2 नंबर में कौन सा ग्रुप है, ग्रुप बी, तो ग्रुप बी, तो यहाँ पे आना है और देखना है ग्रुप बी का एग्ज़ाम कब है। देखिए फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप बी नहीं है और सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी 1 नंबर पे है, यानी कि जो 27/8 को आपका 2 यानी कि सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है 2 से लेकर 5, इस तरह से आप समझिएगा, ठीक है। और ये जो है जनरल वाले के लिए यानी जनरल ऑनर्स जो ले रखे हैं उनके लिए है। अगर आपने नॉर्मली ऑनर्स पेपर से आपने अप्लाई किया था तो आप ये वाला देख लेंगे। तो ये तो था इस तरह का, अब हमको पार्ट थर्ड का दिखाते हैं। सेम उसी तरह का देखिए ये है जहाँ पे कि पार्ट थर्ड का, जहाँ पे कि जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है एग्जामिनेशन शेड्यूल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 2021 BA BA BSc Com, यहाँ पे पार्ट थर्ड के लिए है, देख सकते हैं 18 से 21 सेशन के लिए, जहाँ पे कि ग्रुप वाइज में भी दिया हुआ है। ग्रुप ए में केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी और पेरिस है, बी में AIH, सी हिस्ट्री संस्कृत और उर्दू है, सी में कॉमर्स है, डेमेटिक है, LS है, मैथिली है, मैथमेटिक्स और म्यूजिक है। इस तरह से जो है आपका एग्ज़ाम क्या कैसे शेड्यूल यहाँ पे इसमें भी इसमें जो है सेटिंग करके दे रखा है, जिसमें कि सेटिंग है पहला सेटिंग 10 से 1, 2 से 5, और उसके बाद जो है नॉर्मली क्या कैसे सेटिंग्स में दर्शाया गया 2 से 5, इसमें भी जनरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे है। आप देखिए आपका सपोज कर लिए 27/5 को ग्रुप ए और ग्रुप ए पाइप पेपर 5 का है, तो आप सपोज कर लीजिए कि ग्रुप ए में कौन सा आता है, ग्रुप ए में यानी कि केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यानी आपका जो सब्जेक्ट, सपोज कर लिए आपका सोशियोलॉजी है, तो आप सोच रहे मेरा एग्जाम कब है, सपोज देखिए सोशियोलॉजी इसमें कौन सा सब्जेक्ट नाम है, जाइए देख लीजिए सोशियोलॉजी किस में है, तो ग्रुप ई में सोशियोलॉजी है, और देखिए ग्रुप ई का एग्जाम कब होगा, तो ग्रुप ई आपको खोज लेना है। तो ग्रुप ई का एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पे किस में है, एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे, तो ग्रुप ई यहाँ पे कि 7/9 को है पेपर 4, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हालांकि सारा चीज़ है हमारे टेलीग्राम में डाला हुआ, आप जाके चेकआउट कर लेंगे। रही बात की आप एग्जाम सेंटर, ये पार्ट थर्ड का एग्जाम सेंटर है जहाँ पे कि देख सकते हैं इस कॉलेज का कहाँ पड़ा, देखिए MLS जो है दरभंगा का यहाँ पड़ा है, हर एक का यहाँ पे दिया हुआ, हालांकि यहाँ पे हम अधिक आपको नहीं बता सकते हैं, आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आपको सबका जो है मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो जाइए, वहाँ पे ग्रुप भी है जहाँ पे कि आप अपने से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे चलिए, आपको ऑफिशियल भेज देंगे। अदरवाइज ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप इस तरह का अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, बाय, लव यू।